फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मॉर्निंग का टाइम है और मैं स्कूल के लिए जो है नाश्ता बना रही हूँ और लंच के लिए, तो बच्चे लोग स्कूल जाने वाले हैं। और यहाँ देखिए, सुबह का झाड़ू देते समय यहाँ जो है नारियल का पेड़ उग जाता है। नया घर था तो घर में ही नारियल को जो है नीचे दबा दिया जाता है पूजा के बाद, शुरू शुरू में जब हम घर आते हैं तो। लेकिन ये दो बार ऐसा हुआ है, एक बार फिर से निकाल के रख दिए थे फिर और उसी में फिर दबा दिए थे, लेकिन इस बार निकालिए कि फिर से पेड़ जो है छोटा सा निकल गया था, तो निकाल कर और किसी अच्छे जगह पे हम जो है काट देंगे। और यहाँ जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ बच्चे के लिए, स्कूल का लंच और नाश्ता व सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ये दोनों जो है जल्दी जल्दी से मुझे 5 बजे सुबह में ही उठना पड़ता है बच्चों को स्कूल के लिए जो है नाश्ता वगैरह की तैयारी करने के लिए। अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया बच्चे थे तो हर एक एक चीज़ उनको पढ़ाना और खिलाना सब कुछ पड़ता था, देना तो बहुत सारे टाइम लग जाते थे और चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ सब्जी चढ़ा के मैं जल्दी से चाय जो है बना रही हूँ और चाय जल्दी से समय निकाल के पी लूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी और सब्जी रोटी जो है उनको टिफिन में दे दूँगी। और खाना जो है सुबह जाती है 7 बजे तो नहीं खा पाती है उतना, बस एक रोटी कभी खाती है कभी नहीं भी खाती है, ग्लूकोज कुछ ऐसे पी के चली जाती है क्योंकि पेट जो है गर्म हो जाएगा ना, तो इसलिए। और यहाँ बच्चे लोग स्कूल चले गए थे और मेरा खाना जो है तैयार हो गया था, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिया था और टेबल मैं साफ़ करके फिर ये बिस्तर जो है उसको अच्छे से ठीक कर दूंगी। बच्चे लोग जो तैयार होते तो इस पर बुक वगैरह रख देते हैं और ऐसे भी, तो वो जो है क्रीज उसका जो अच्छा नहीं रहता, उसको क्रीज से अच्छे से कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आप सबसे कुछ पूछना है हमें, जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं और मोनिटाइजेशन ऑन करते हैं तो एड एस्टेबिलिटी लग जाती है, तो क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? और अगर होता है तो बताइएगा। और अगर आपको पता होगा कि क्यों लग जाता है, उसको क्या करेंगे जो नहीं लगेगा, तो वो भी आप बता दीजिएगा। तो यहाँ जो है मैं कपड़े साफ़ करने के लिए आ गई हूँ बाल्टी में रख के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हवा भी चल रही है और अच्छा लग रहा है, कोई भी घर में नहीं है, अकेले हैं। तो यहाँ कपड़े जो है इसको अच्छे से मल के उसके बाद अंदर जाकर इसको मैं धो दूँगी और धो के फिर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हवा भी चल रहा है और अच्छा लग रहा है, अकेले में घर में अच्छा उतना नहीं लग रहा था, तो इस बहाने यहाँ पर काम भी हो जाएगा। और ये मेरा बेटा का जो है कपड़ा है तो इसको मल के मैं रख दूँगी, और वो नहा के गया था और कल वाला भी था तो वो स्कूल चला गया था। और यहाँ पर हम जो हैं अकेले हैं। चलिए, हमारा अब कपड़ा भी साफ़ हो गया है और अभी जो है रखा हुआ है तरबूज मेरे घर में, तो उसे काट कर मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ठंडा हो जाता है, उसके बाद बच्चे लोग खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है तरबूज, इस साल बहुत ही लेट करके हमने तरबूज खरीदा है, पिछले साल से जो थे बहुत पहले से खरीद कर और फिर बहुत ज़्यादा खाते थे, और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत टेस्टी भी है, मीठा भी है। तो यहाँ जो है कपड़े मैं जल्दी जल्दी से पानी से पकाड़ के और फिर रख दूँगी जो सूखने के लिए, और फिर नहाना भी है मुझे, आज ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, अभी जो है 8:30 बजे का ही टाइम है और मैं नहाते नहाते 9 बजे तक नहा लूँगी और पूजा पाठ कर लूँगी। तो जल्दी से मैं इसको धो के रख देती हूँ। और मैं नहा के चली आई हूँ, बाल धो ली थी थोड़ा सा क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा डाल दिए थे उस दिन, तो मैंने उस दिन से धोई नहीं थी तो इसी कारण धोई हूँ, उतना गंदा आज बाल मेरा नहीं था लेकिन फिर भी तेल ज़्यादा था इसलिए धो ली हूँ। और इसको झाड़ के अच्छे से फिर सिंदूर वगैरह कर लूँगी थोड़ा बहुत,
और बाल जो है गर्मी में धोते हैं तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। और मेरा बाल उतना लंबा नहीं है, थोड़ा मतलब काट के मैंने रखी हूँ, छोटा है, उतना बढ़ता ही नहीं है। और लॉन्ग बाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो पसंद है वो सभी को मिलता ही नहीं। और मेरा बाल जो है ना लंबा है ना छोटा है, बीच में ही है। और मैं सिंदूर और क्रीम जो है ये सब लगा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो फूल भी मैंने नहीं तोड़ी थी, तो बीच में जाके पहले फूल तोड़ लूँगी, क्योंकि नज़दीक ही है और सुबह से टाइम भी नहीं मिला और याद भी नहीं था इस कारण। तो अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँगी और फिर जो है मैं घर में कपड़े जो है मैं साफ करके रख दी थी, तो अभी डाली हूँ नहीं, तो कपड़े भी डालेंगे तो पूजा करने के बाद। और फिर फ्री हो जाएंगे तो वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैंने नहीं किया तो उसके लिए भी समय निकालना है, तो वीडियो डालने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। और बच्चे लोग तो मोबाइल जब भी स्कूल से आएंगे या फिर होंगे तो मोबाइल को तो छोड़ना नहीं चाहते, मोबाइल चाहेंगे कि हम पास में रखें, तो उसके लिए मुझे तो भी टाइम निकाल के मोबाइल रखना पड़ेगा और वीडियो भी बनाना पड़ेगा और फिर डालना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जो है अपना काम निपटा के जब तक बच्चे लोग नहीं होते थोड़ा बहुत कर लेती हूँ ये काम जो होता है मोबाइल का, जैसे वीडियो डालना और थंबनेल बनाना ये सब कर लेती हूँ। और बच्चे लोग को जो है दही बहुत पसंद है, और रात में मैं जो है लेट हो जाता है कभी कभी तो छोड़ ही देती हूँ फ्रिज में दूध, तो सुबह में सोची हूँ कि कर लेती हूँ। तो अभी सुबह नहीं, दोपहर का टाइम है और मैं जो है दूध को उबाल कर और फिर जो है ठंडा हो जाएगा तो मैं दही जमा लूँगी। तो बच्चे लोग को पसंद है, मुझे भी पसंद है। और अभी तो मेरे यहाँ गाय भी नहीं है तो दूध इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे मैं फिर अगले वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।